थैंक यू अभिषेक। परगेशन क्वेश्चन नंबर देना है, चूँकि इसमें दो क्वेश्चन करना है, इसलिए ए बी सी डी जो भी है वो दीजिएगा, 9A जो भी क्वेश्चन है। ये मेरा पेज 1 है। परगेशन मीन्स प्यूरिफिकेशन और क्लीनिंग, तो माने शुद्धिकरण या स्वच्छीकरण होता है। तो परगेशन मीन्स प्यूरिफिकेशन और क्लीनिंग। परगेशन का दूसरा मीनिंग क्या है? इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल्स थ्रू लैक्सिटिव। इवैक्यूएशन कहते हैं मल त्यागना, इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल्स मतलब हो गया मल त्यागना थ्रू किसके माध्यम से, लैक्सिटिव, जैसे इस सब गोल कोई दवा देकर डॉक्टर पेट साफ कर देता है, इसको कहते हैं। लेकिन इन दिस आंसर वी आर कंसर्न विद द फर्स्ट मीनिंग, लेकिन इस आंसर हम लोग इससे मतलब रखते हैं, मीन्स प्योरिफिकेशन क्लीनिंग। परगेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लिटरेचर, और साहित्य में इसका रोल अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एग्जाम्पल देना है। कंसिडर द पोइटिक ड्रामा मर्डर इन द कैथीड्रल, 1935 बाई T.S. Eliot। अब इस ड्रामा को समझिए, कैथीड्रल। द आर्कबिशप थॉमस बेकेट हैज़ बीन किल्ड बाई द सोल्जर्स ऑफ किंग हेनरी II। स्टोरी क्या है इसका? आर्कबिशप जो है सबसे बड़ा पोस्ट है क्रिश्चियन धर्म में, आर्कबिशप, बिशप से भी ऊपर, तो इसको उसका खून हो जाता है। कौन मारता है? किंग हेनरी II के सोल्जर्स उसको मर्डर कर देते हैं बहुत खराब तरीके से, तलवार से माथा में मार मार कर। अ टेरिबल सिन हैज़ बीन कमिटेड, बहुत भयंकर पाप हो गया है। हाउ विल दिस सिन बी क्लीन, अब ये पाप कैसे धुलेगा, ये पाप कैसे मिटेगा? द कोरस गिव्स, कोरस कहते हैं, कोरस है ग्रुप ऑफ वीमेन है, पलटना पलटो बेटा। और कोरस क्या कहता है? सजेस्ट अ पोइटिक वे ऑफ प्योरिफिकेशन, उसका एकदम कविता में प्योर करने का तरीका ये लोग बताती है। और सब क्या बताती? क्लीन द एयर, क्लीन द स्काई, हवा को साफ करो, बादल आसमान को साफ करो, द लैंड इज फाउल, जमीन जो है अपवित्र हो गया है। तो ये पोइटिक तरीका है, इसे सफाई लोग हवा को कैसे साफ करेगा, ठीक है। ईडिपस रेक्स ऑफ द 5th century इज अ ग्रीक प्ले बाय सोफोक्लिस, ये ड्रामा जो है ग्रीक प्ले है, कौन लिखा है? सोफोक्लिस, 5th century का, मतलब समझिए करीब 1500 साल पहले की कहानी, ये नाटक है। ईडिपस डज द क्लीनिंग ऑफ हिज सिन बाय प्लकिंग आउट हिज आइज, और ये ईडिपस क्या करता है जो प्रोटैगोनिस्ट है, अपने पाप को, क्या पाप कर दिया है? अपनी मम्मी से शादी कर लिया अनजाने में, और अपनी मम्मी से बच्चा जन्मा लिया अनजाने में, लेकिन जब उसको होश होता है ना तो अपने को सजा देता है। क्या सजा देता है? अपनी आँखों को निकाल लेता है। देखिए दिस इज़ अ प्रिमिटिव वे ऑफ प्योरिफिकेशन, ये तो जानवर का तरीका है पवित्र होने का, उसे कोई आँख थोड़े निकाला है, निकालना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पुराना प्रिमिटिव पुराना तरीका है, जंगली तरीका है ये पवित्र होने का। इन द सिविलाइज सोसाइटी द क्रिश्चियंस यूज कन्फेशन, लेकिन आजकल पढ़े लिखे समाज में लोग कोई गलती करते हैं तो कन्फेशन करते हैं, कोई प्रीस्ट को जाकर कहते हैं ये फादर हम तो ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ करवाइए भगवान से, तो कन्फेशन तरीका आजकल मॉडर्न। इन द सिविलाइज सोसाइटी द क्रिश्चियंस यूज कन्फेशन फॉर प्योरिफिकेशन, और पवित्र होने का ये तरीका है कन्फेशन। द हिंदूज बिलीव दैट अ बाथ इन द होली गंगा कैन वॉश अवे आवर सिंस, और हिंदुओं का विश्वास है होली गंगा में, पवित्र गंगा में स्नान करने से हम लोग का पाप धुल जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी से गिल्ट फीलिंग इज डेंजरस, तो आजकल जो साइकोलॉजी है जो विज्ञान हम लोग क्या बताता है, तो ये दोष भावना ना खतरनाक होता है, पन्ना 3 दो बेटा, दोष भावना खतरनाक होता है। सम पीपल कमिट सुइसाइड ड्यू टू गिल्ट फीलिंग, और दोष भावना के कारण कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सो वी मस्ट फाइंड अ वे ऑफ प्योरिफिकेशन, इसीलिए हम लोग एक तरीका खोजना पड़ेगा कि कैसे अपने दिल को पवित्र करें। हेल्पिंग द पुअर, डोनेटिंग मनी फॉर द गुड कॉज आर मॉडर्न वेज ऑफ प्योरिफिकेशन, तो गरीबों की मदद करना और कोई अच्छे काम के लिए पैसा दान करना, ये है मॉडर्न तरीका है प्योरिफिकेशन का। दैट्स ऑल, थैंक यू।